Hello everyone, in this class we will be talking about second normal form in the process of normalization. So let's start. Second normal form, third normal form या आगे की जितनी भी normal forms हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें concept पता होना चाहिए. It is called the concept of functional dependency. ठीक है, तो इसको हम एक बार समझते हैं कि functional dependency होती क्या है. Like its definition is like this. The functional dependency is a relationship that exists between two attributes. Okay, it typically exists between the primary key and non-key attributes within a table. Okay, ठीक है. तो functional dependency क्या है? एक तरह की relationship है. It's a kind of relationship. ठीक है, that exists between two attributes. Suppose करो कोई table आपके पास, उसके अंदर दो दो attributes हैं. One is a एंड बी. ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, अगर एक दूसरे से इनके बीच में कोई रिलेशन है तो हम ये बोलेंगे कि वहां कोई ना कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है जी, ओके. जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेथड होता है शो करने का वो होता है ऐसे, जैसे कि हमने लिखा है एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस वाई. ठीक है, अब एक्स के बीच में और वाई के बीच में रिलेशन है. रिलेशन क्या है कि भैया अगर आपको x की वैल्यू पता है, इन दैट केस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज y इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन x. ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोल नंबर है मेरा, ठीक है, अगर किसी हमें रोल नंबर पता है तो रोल नंबर की हेल्प से हम उस बच्चे का नाम इजीली पता कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है जी, ओके. जो ये मेरा लेफ्ट पार्ट वाला होता है इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, और जो ये राइट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट. ठीक है जी, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जितने भी हमारे टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है वो हमें सभी पता होने चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो इसके अंदर बेसिकली दो तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, एक होती है ट्रिवियल, एक होती है नॉन ट्रिवियल. ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल दो तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है. जो ट्रिवियल होती है उसकी हम देख लेते हैं. ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी एज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए. कहने का मतलब अगर बी जो है वो ए का ही कुछ पार्ट है, उसका ही सबसेट है, इन दैट केस द फंक्शनल डिपेंडेंसी विल बी ट्रिवियल. अगर ऐसा नहीं है, ठीक है जी, अगर ऐसा नहीं है, इफ बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए देन इट इज ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है जी, ओके. अब हम बात करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं. इसके हमने दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, डेफिनेशन वन एंड टू. आप एग्जाम में कोई भी मेंशन कर सकते हो, और इसकी अपनी हल्की सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी है. ओके, तो सबसे पहले तो हम एक बात कर लेते हैं कि सपोज करो आपके पास कोई टेबल है. ठीक है, यू हैव ए टेबल. सपोज इट्स वैल्यूज आर लाइक दिस वन. फर्स्ट एट्रीब्यूट इज योर रोल नंबर, देन इज नेम. ठीक है जी, देन इज फादर नेम, देन इज एड्रेस. ठीक है, एड्रेस. अब ये जो टेबल हमने बनाई है, सपोज इसका नाम है स्टूडेंट, इट्स नेम इज स्टूडेंट. ओके, इसके अंदर टेबल के अंदर देखोगे जो ये रोल नंबर है, इट कैन इजिली बिकम यूर प्राइमरी की. ये क्या बन सकता है? प्राइमरी की आसानी से बन सकता है, क्योंकि हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है, और रोल नंबर की हेल्प से हम सब कुछ बच्चे का पता कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, फादर नेम एंड एड्रेस. अब जो ये आपका ये है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइमरी की. जबकि नेम हो सकता है कि एक क्लास के अंदर सेम नाम के कई बच्चे हों. सिमिलरली हो सकता है कि एक क्लास के अंदर जो फादर नेम है वो दो बच्चों का सेम हो. तो इन दिस केस जो नेम है, एफ नेम है, एसेट्रा, ये होते हैं मेरे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स. कौन कौन से? नॉन की एट्रीब्यूट्स. ठीक है, और इनको हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. ठीक है जी, क्या क्या बोलते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सिमिलरली आपका एड्रेस है, वो भी आपका नॉन प्राइम जो है एट्रीब्यूट है, क्योंकि हो सकता है कि दो बच्चे एक ही एड्रेस पे रहते हो. सपोज करो दो भाई हैं, उनका एड्रेस सेम हो. सो इन दिस केस योर रोल नंबर इज योर
प्राइम एट्रीब्यूट, रेस्ट ऑल योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं सेकंड नंबर फॉर्म की। ये कहता है कि ए रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकंड नंबर फॉर्म इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एनी की ऑफ आर। ठीक है, ओके। अब ये बात आप ध्यान से सुन लेना। जब भी हमारे पास कोई कंपोजिट की है किसी तरह से, या एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल मेरे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हमें फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म वहां पे अप्लाई करनी वहां पे होती है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे, देन अब वी विल कम बैक टू द डेफिनेशन। अब देखो, ये हमने यहाँ पे टेबल बनाई है, या वी कैन से इट इज अ स्कीमा। स्कीमा का नाम है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है जी, देन इज पार्ट नंबर, देन इज आवर्स, एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी, ओके, देन इज पार्ट नेम एंड प्रोजेक्ट लोकेशन, सॉरी इट्स प्रोजेक्ट नंबर, इट्स प्रोजेक्ट नंबर, आवर्स, ई नेम, प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट लोकेशन। अब इसके अंदर एक बात आपने ध्यान से देखनी है कि इस केस के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी की है, दैट इज कंपोजिट की, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, SSN एंड पी नंबर, ठीक है। अब ये बात ध्यान सुनना कि यूजिंग दिस की, दोनों ही कॉम्बिनेशन करके अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल दी एट्रीब्यूट। मैं इसको भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इन दोनों को मिला के इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, और इसको भी यहाँ पे मैं इजिली जो है डिटरमाइन कर सकता हूँ। बट अब ये बात ध्यान से देखने की है कि अगर मुझे खाली SSN का पता है, अगर SSN मुझे पता है, इन दैट केस मैं सिंगल हैंडेडली बिना प्रोजेक्ट नंबर की हेल्प के बिना ही मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी इंसान का, एम्प्लॉई का नेम मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब जो ये प्राइमरी की थी आपकी जो कंपोजिट की है, अब उसकी है, उसका जो सब पार्ट है, that is SSN, अब खाली इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं किसी और एट्रीब्यूट को, ठीक है जी। जैसे ही ऐसा कुछ होता है कि कोई भी पार्ट प्राइमरी की का किसी नॉन की एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहा है अकेले ही, सो इन दैट केस दिस रिलेशनशिप इज नॉट इन सेकंड एनएफ, ये सेकंड एनएफ में नहीं है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या कहती है, ए रिलेशन स्कीमा आर is in second normal form if every non-prime attribute A in R is not partially dependent on the any key of R। अब ये बात आती है partial dependency, ठीक है, सारी second normal form है जो है वो partial dependency के concept के ऊपर ही based है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब जो ई नेम है ये नॉन प्राइम के नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बट जो SSN है वो प्राइमरी की का पार्ट है, और ये सिंगल हैंडेडली क्या कर रहा है, ई नेम को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है, सो इट इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी कि भैया जो ई नेम है आपका वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ SSN की हेल्प से, सो इन दैट केस जो आपकी प्राइमरी की है जो कि दो पार्ट की बनी है, इसका एक हिस्सा ही इसको डिटरमाइन कर पा रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस वी विल से कि देयर इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी बिटवीन SSN एंड ई नेम। तो अगर ऐसा है तो वहां पे इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, और अगर ऐसा है नहीं है तो हमें फिर इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज करो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है जी, अब ए और बी मिलके आपकी प्राइमरी की बना रहे हैं, फाइन, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी प्राइमरी की है तो प्राइमरी की हेल्प से हम सब किसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ए को भी डिटरमाइन कर लेंगे, बी को भी कर लेंगे और सी को भी कर लेंगे, ठीक है जी। सो इन दिस केस अब ये तीनों जो एट्रीब्यूट है सी डी ई ये फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर, बट अगर गलती से ऐसा हो जाए कि जो अकेला बी है इनमें से डी को डिटरमाइन कर लेता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डी है दैट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन बी, और अगर ऐसा कहीं पे भी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है,
ठीक है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है और हमें फिर इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अब कोई भी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, मान लेता हूं कि ए और बी अगेन मेरे जो दोनों हैं जो प्राइमरी की को फॉर्म कर रहे हैं। सो इन दिस केस जो आपका डायग्राम बनेगा इस तरह का ही बनना चाहिए, इसके अलावा और कोई एरो इस टेबल के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मींस देयर शुड बी नो अदर सॉर्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लियर, स्पेशली फ्रॉम दिस टू ए एंड बी, ना ही ए की तरफ से ना ही बी की तरफ से। अगर इनमें से एक भी, जैसे सपोज करो ए जो है, अगर ऐसा कोई एरो आ जाता है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बी से सी पे आ जाता है तो भी आपका रिलेशन जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा। ओके, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपकी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो सिंगल एट्रीब्यूट की है, ठीक है, उसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, सो डेफिनेटली हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया ये वाली टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अगर कहीं पे भी कंपोजिट की है तो वहां पे हमें चेक करना है प्रॉपरली कि भैया ये जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है या नहीं। ओके, अब हम ये जो टेबल हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, अब इसको हम कन्वर्ट करें किसके अंदर, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ओके, तो ये टेबल है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, कौन कौन सी है, एक तो FD2, FD2 क्या कहती है कि भैया यूजिंग SSN आई कैन डिटरमाइन दी एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी, एंड यूजिंग FD1 जो मेरे पास FD1 है इसका नाम है जिसको हम SSN बोलते हैं, इससे मिलके हम क्या कर पा रहे हैं, तो इन दोनों को दोनों मिलके इसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं आवर को, बट ई नेम हम कहां से डिटरमाइन कर पा रहे हैं, SSN से। सिमिलरली जो मेरे पास पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर से मैं सॉरी प्रोजेक्ट नंबर से मैं क्या क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट का नेम और प्रोजेक्ट का लोकेशन। ठीक है, तो ये जो FD3 और FD2 है इनकी वजह से मेरा ये टेबल जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मेरे पास ये रिलेशन नहीं है और मुझे इसे सेकंड रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम है FD2 एंड FD3, क्योंकि ये जो पार्ट नंबर है वो अकेला किस किस को डिटरमाइन कर पा रहा है, वो पार्ट नेम को और पी लोकेशन दोनों को डिटरमाइन कर रहा है, जबकि जो SSN है उससे मुझे क्या पता लग रहा है, ई नेम। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है और हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ओके, अब जब भी कोई ऐसी तरह का कोई रिलेशनशिप है मेरे पास तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट टेबल्स सो दैट ये जो रिलेशन है वो मेरे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस एक सिंगल टेबल को तीन टेबल के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 एंड एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 3, तीन टेबल बना दिए हैं। तो पहले टेबल के अंदर क्या रखा है, SSN, प्रोजेक्ट नंबर एंड आर्स, ठीक है, दूसरा है SSN एंड एम्प्लॉय नेम, तीसरा है प्रोजेक्ट नंबर, पी नेम एंड पी लोकेशन। ठीक है, और देखो यहां पे मेरे पास कंपोजिट की है SSN और पी नंबर, ये दोनों मिलकर किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, आर्स को, इसके अलावा और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे SSN प्राइमरी की और इससे मुझे ये मिल रहा है, तो ये तो सिंगल एट्रीब्यूट है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये टेबल जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही प्राइमरी की है, ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मेरा रिलेशन। तो मैंने इसके क्या किया, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी टेबल को ब्रेक कर दिया तीन पार्ट्स के अंदर और इससे मुझे क्या मिला, तीन टेबल मिली, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 3। अब ये जो तीनों रिलेशंस हैं, तीनों टेबल्स हैं, दे ऑल आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है जी, और पार्शियल डिपेंडेंसी का दूसरा ऑपोजिट होता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंट। वो कहता है कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम कौन सा है, जैसे कि आर्स है, इट शुड बी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अब ये जो आर्स है ये किस पर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर, SSN और
पी नंबर के ऊपर फुल्ली डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ इसका कुछ पार्ट पी नंबर पे डिपेंड कर रहा है या कुछ एस एस एन पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे कोई ये आर्थ है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर, मतलब दोनों के ऊपर। ई नेम फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है एस एस एन के ऊपर। पी नेम और पी लोकेशन फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर, ठीक है जी। सो इन दिस केस all these three relation, all these three tables, they all are in second normal form. अब हम बात करते हैं exercise की, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपको table दी है, यहाँ पे मेरे पास कुछ functional dependency है, functional dependency 1, functional dependency 2, functional dependency 3 and 4. यहाँ पे आपने इस table को check करना है and you have to convert this table into second normal form. ठीक है, this is your exercise and you have to finish it. इसके अलावा अब लास्ट में एक बार डेफिनेशन पे दोबारा जाएंगे, इसको दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं कि क्या कह रहा था। फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन टू से दोबारा शुरू करते हैं। ए रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एनी की ऑफ आर, ठीक है, किसी भी की एट्रीब्यूट के ऊपर वो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका जो इसी बात की ये डेफिनेशन, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, दोनों की बात बिल्कुल सेम है। वहां पे वो बात कर रहा है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की एंड पार्शियल डिपेंडेंसी की, वहां वो बात करेगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। इसको अगर पढ़ लेते हैं, ए रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकंड एनएफ इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की ऑफ आर। या अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब एक बात और है, इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म जैसे यहां पे लिखा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एंड वाई इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको एक्स एंड वाई को तभी बोलेंगे कि जो एक्स जो है वो वाई को फुल्ली डिटरमाइन कर रहा है, या वाई इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स इफ रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट ए फ्रॉम एक्स, कि अगर इस एक्स के अंदर से मैं कोई सब पार्ट या सब एट्रीब्यूट निकाल दूं, देन द डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड एनी मोर, तो भैया ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स के अंदर मोर देन वन एट्रीब्यूट है और मैंने एक को निकाल दिया, ठीक है, निकालते ही क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये खत्म हो जानी चाहिए, मतलब इट शुड होल्ड नो लॉन्गर। सो इन दैट केस ओनली देन वी विल कॉल इट फुल फंक्शनली डिपेंडेंस, ठीक है। सो विद दिस थैंक्स।